जी हाँ दोस्तों, सस्पेंस थ्रिलर और ड्रामा के बाद हमें देखने को मिला मैच का अंत हुआ काफी खुशमय, क्योंकि मैच में जीत हासिल करी विराट कोहली की टीम ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने। बता दें दोस्तों, आरसीबी वर्सेस एमआई यानी कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच काफी घमासान मुकाबला देखने को मिला। मैच आखिरी बॉल तक गया था, आखिरी बॉल क्या दोस्तों, सुपर ओवर की आखिरी गेंद तक मैच गया था, जो देखने में काफी दिलचस्प मुकाबला लगा था। लेकिन दोस्तों, मैच के सुपर ओवर तक जाने से पहले आपको बताते हैं कि मैच में क्या कुछ घटा था जिसकी वजह से मैच इतने रोमांचक मोड़ पे पहुंचा। तो बात करें कि किस प्रकार से पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से काफ़ी कुछ खास हमें देखने को मिला आज के मैच में, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से हमें देखने को मिला कि 201 का टारगेट उन्होंने खड़ा करा था 20 ओवर में, 201 का। जी हाँ दोस्तों, 201 का, जिसमें सबसे ज़्यादा मददगार बल्लेबाजी की बात करें तो वो आई ABD Villiers के बल्ले से। ABD Villiers आज के मैच में कुछ ऐसे बल्लेबाज साबित हुए जिसकी कल्पना हम सब करते थे, आज वही सुपरमैन हमें मैदान पर देखने को मिला। धमाकेदार शॉट्स खेले ABD Villiers ने, 229 के स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन इसके साथ ही हमें शुरुआत में जो ओपनिंग की मदद चाहिए थी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम को, वो मिली देवदूत पर्टिकल और एरन फिंच की तरफ से। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आज तीन बड़े बदलाव के साथ मैच खेली थी, जिसमें ABD Villiers हमें विकेट कीपरिंग करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जोसेफ फिलिपे आज मैच में नहीं खिलाए गए, उनकी जगह एडम जाम्पा खेले थे। तो वहीं हमें देखने को मिला कुछ और बड़े बदलाव, लेकिन देवदूत पर्टिकल और एरन फिंच ने काफ़ी अच्छी शुरुआत दिलाई थी टीम को, जहां पर टीम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई थी मिडिल ओवर तक। लेकिन फिर मिडिल ओवर में हमें देखने को मिला देवदूत पर्टिकल और एरन फिंच की विकेट जब गिर गई तो विराट कोहली और ABD Villiers के कंधों पर सारा दारोमदार आ गया। लेकिन विराट कोहली आज के मैच में भी इनका बल्ला शांत रहा, लगातार तीसरा मैच है जहाँ पर बिना रन ज़्यादा मारे आउट होकर चलते बने और 11 गेंद में 3 ही रन बना पाए। लेकिन उसके बाद ABD Villiers का शो हमें देखने को मिला और उनका पूरा साथ दिया शिवम दुबे ने। जी हाँ दोस्तों, ABD Villiers की क्या ही तारीफ करें, आज के मैच में इनके बल्ले से नाबाद पारी आई, जिसकी मदद से टीम ने खड़ा कर दिया पहाड़ नुमा स्कोर 201 का, सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे, जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए काफ़ी खास बात साबित हुई, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की कुछ ऐसे ही बल्लेबाजी में शुरुआत चाहिए थी। भले से अभी विराट कोहली का बल्ला शांत हो, लेकिन इनके बल्ले से भी उम्मीद करते हैं कि रन आएंगे। शिवम दुबे ने आखिरी ओवर में हमें देखने को मिला था कि जब 3 छक्के जड़े थे तो वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गया था, क्योंकि उसी के सहारे टीम 201 तक पहुंची थी और 54 पर नाबाद रहे थे ABD Villiers। बदले में अब 201 का टारगेट खड़ा था मुंबई इंडियंस के सामने, तो उम्मीद करते थे कि आज रोहित शर्मा का बल्ला भी खूब चलेगा और उनके बल्ले से रन आएंगे। लेकिन दोस्तों, जिन जिन बल्लेबाजों से IPL में हम उम्मीद कर रहे हैं, उनका बल्ला शांत है, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, इनका बल्ला अभी तक हमें ज़्यादा नहीं चलते हुए देखने को मिला है। लेकिन रोहित शर्मा आज के मुकाबले में फेल हो गए और इनके ओपनिंग पार्टनरशिप क्वेंटन डिकोक, जिन पर बड़ा दाव खेलते हुए मुंबई इंडियंस ने तीसरे मैच में भी इन्हें खिलाना पसंद करा, क्योंकि इनसे उम्मीद ये लगाई गई थी कि तीसरे मैच में इनको नहीं खिलाएगी मुंबई इंडियंस, इसके पिछले 2 मुकाबले में प्रदर्शन काफ़ी ख़राब थे, तो इसी की वजह से क्वेंटन डिकोक को एक और मौका मिला। अब खबरों के मुताबिक इन्हें अगले मैच में मौका मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा 8 गेंदों पर 8 ही रन बना पाए, जहाँ पर 100 के स्ट्राइक रेट से 201 का रन पीछा करना था, लेकिन जल्दी आउट होकर चलते बने। क्वेंटन डिकोक, सूर्य कुमार यादव से काफ़ी उम्मीदें थी टीम को, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस से हमें सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलता हुआ देखने को मिला था, इनके बल्ले से रन आ रहे थे अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, तो क्वेंटन डिकोक 15 गेंदों पर 14 ही रन बना पाए, चले गए। सूर्य कुमार यादव 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि जब रोहित शर्मा के बल्लेबाज इतनी जल्दी 3 आउट होकर चले गए, तो आखिर वो कौन सा बल्लेबाज था जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा योगदान और 1 रन अपने शतक से चूक गए ईशान किशन। ईशान किशन एकमात्र वो प्लेयर थे जो पिछले मैच में हमें राजस्थान रॉयल्स की टीम से संजू सैमसन कमाल करते हुए दिखाई दिए, वही कमाल हमें ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। इन्होंने 58 गेंदों पर 99 रन की पारी खेली, लेकिन दोस्तों क्या ही बात करें, जब टीम को 2 गेंदों में 5 रन की ज़रूरत थी तो वो सोचा था, इन्होंने 99 रन पे खेल रहे थे, इन्होंने अपने शतक के बारे में ना सोचते हुए टीम की जीत के बारे में सोचा और बल्ला घुमा दिया और वो कैच गई सीधा देवदूत पर्टिकल के हाथ में। बॉलर थे इसरू उड़ाना ने आखिरी ओवर डाला था, जिसमें आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे और 20 रन चाहिए थे तो हमें देखने को मिला इसरू उड़ाना ने जब ईशान किशन को आउट कर दिया, तो आखिरी गेंद पर चाहिए था अब 5 रन जब चाहिए था टीम को, तो हमें देखने को मिला केरन पोलार्ड सामने थे और केरन पोलार्ड के बल्ले से एक शानदार चौका आता है।
क्योंकि करन पोलार्ड ने एक ऐसी पारी खेली जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इन्होंने 24 गेंदों में 60 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को 201 तक स्कोर ले जाने के लिए काफ़ी मददगार साबित हुए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो विस्फोटक तरीके से आज मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से खेले, या यूँ कह सकते हैं कि जितने भी 3 मुकाबले हुए उनमें सबसे विस्फोटक पारी मुंबई इंडियंस की तरफ से अभी तक हमें करन पोलार्ड के बल्ले से ही देखने को मिली, और इन्होंने साबित कर दिया कि ये इतने खतरनाक और इतने बल्लेबाज विस्फोटक श्रेणी में क्यों गिने जाते हैं। तो करन पोलार्ड और ईशान किशन की जोड़ी ने छक्कों की बरसात करते हुए टीम को 201 तक के लक्ष्य के पर ले गए, जहां पर 20 गेंदों पे एक समय पे 60 रन चाहिए थे, लेकिन ईशान किशन और देवदूत पडिक्कल अच्छे खेले आज के मैच में। दोनों युवा हैं लेकिन करन पोलार्ड काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और ले गए वहाँ तक। और आखिरी गेंद पे जब करन पोलार्ड ने चौका मारा तो हमें देखने को मिला मैच हो गया था टाई। अब यहाँ से टाई ब्रेकिंग मुकाबला हो गया था, सुपर ओवर की बारी थी, सुपर ओवर में किसके पलड़े में किसकी जीत जा सकती थी कि निर्भर करता था, क्योंकि उस तरफ से अगर जसप्रीत बुमराह जैसा खतरनाक बल्ले गेंदबाज था तो बल्लेबाज भी कमी नहीं थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास, क्योंकि एबी डिविलियर्स ने अर्धशतकीय पारी खेली थी इससे पहले। तो वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन और पोलार्ड अच्छा खेले थे, उम्मीद भी यही करते थे कि सुपर ओवर में हमें यही देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों सुपर ओवर में रोहित शर्मा की टीम की तरफ से एक बड़ी गलती ये हो सकती है कि वो मैच को हारे की, क्योंकि उन्होंने अपने उस बल्लेबाज को बैटिंग करने के लिए नहीं उतारा जो आज के मैच में पूरी तरीके से फॉर्म में नज़र आए, जिसके बल्ले पर गेंद आ रही थी। अगर इनको सिर्फ पावर हिटिंग के मामले में जाना था तो पावर हिटिंग के मामले में खुद इन्होंने हमें देखने को मिला, जब सुपर ओवर का ऐलान हुआ तो सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए करन पोलार्ड आए जिन्होंने 24 पर 60 रन मारे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इनका साथ देने के लिए हार्दिक पंड्या आए। हार्दिक पंड्या को हम उम्मीद में नहीं रख रहे थे क्योंकि हार्दिक पंड्या लंबे शॉट्स मार सकते हैं, लेकिन लंबे शॉट्स कोई प्लेयर जब ही मार सकता है जब उसके बल्ले पर गेंद आ रही हो, लेकिन हार्दिक पंड्या के बल्ले पर अभी गेंद इस मैच में हमें नहीं देखने को मिली, वो अच्छे फॉर्म में नहीं नजर आए थे। ईशान किशन हर गेंद पर शॉट्स खेल रहे थे तो उनसे छक्के चौके की उम्मीद रख रहे थे और छक्के चौके मार भी रहे थे, तो मुंबई इंडियंस ने बड़ी गलती ये की कि हार्दिक पंड्या को भेज दिया, ईशान किशन को बैठा दिया था। तो करन पोलार्ड जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो वहीं पर युवा गेंदबाज के थमा दी गई थी गेंद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने। नवदीप सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी सुपर ओवर की, नवदीप सैनी की क्या ही तारीफ करें, इन्होंने गेंदबाजी कराते हुए टीम को सिर्फ 6 ही रन बनाने दिए। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस टीम को 6 ही रन बनाने दिए, एक विकेट भी ली थी और कह सकते हैं चौका इनको गलती से मिल गया था, क्योंकि वहां फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी ने गेंद छोड़ दी थी और वो पकड़ सकते थे आसानी से, वो चौके की बाउंड्री तक पहुंचा और सिर्फ 6 ही रन बना पाए। अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को बनाने थे 7 रन। सस्पेंस ही सस्पेंस था क्योंकि आखिरी गेंद तक गया था मैच। जी हाँ दोस्तों, सुपर ओवर भी आखिरी गेंद तक गया था क्योंकि सामने थे अब जसप्रीत बुमराह जो कि वर्ल्ड फेमस गेंदबाज हैं, तो वहीं वर्ल्ड के बेस्ट दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली जो सबसे उत्तम श्रेणी के बल्लेबाज हैं, तो दूसरी तरफ सुपरमैन कहे जाने वाले मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स सामने से बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। अब एबी डिविलियर्स विराट कोहली की नंबर वन जोड़ी बल्लेबाजी कर रही थी, सामने था दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। देखने को मिला इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस, क्योंकि एक समय बीच में ऐसा लगा था कि एबी डिविलियर्स आउट हो गए हैं क्योंकि उनके पास से गेंद गुजरी थी और सभी ने आउट की अपील की, एम्पायर ने भी आउट दे दिया था, लेकिन जब उसको रिव्यू लिया विराट कोहली ने तो पता लगा कि वो गेंद बल्ले से छुई नहीं थी, जिससे विकेट कीपर और एम्पायर के गलतफहमी के चलते उनको नॉट आउट घोषित किया गया और फिर से एबी डिविलियर्स फॉर्म में आए और उसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़ के स्कोर को बराबर करने की कोशिश की, लेकिन अब चाहिए थे 2 गेंदों में 2 रन। हमें देखने को मिला एबी डिविलियर्स ने स्ट्राइक लेके सुपर वी यानी कि विराट कोहली को दे दिया स्ट्राइक, और विराट कोहली के बल्ले से आया वो विनिंग शॉट उनके लिए जितने भी प्लेयर्स थे सबको नज़दीक खड़ा कर दिया। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि विराट कोहली सिंगल ले पाए और किसी से सब यही कोशिश कर रहे थे कि सिंगल को किसी भी प्रकार से रोका जाए, और विराट कोहली के लिए पूरी तरीके से फील्डर को तैनात कर दिया था, लेकिन विराट कोहली ने किसी ना किसी तरीके से आज के मैच में वो सिंगल निकाला और टीम को अपनी IPL सीज़न 13 की दूसरी जीत दिलाई तीसरे मैच में।
जी हाँ दोस्तों, लगातार पिछले मैच में जो गलती की थी इस गलती को सुधारा। कुछ बड़े बदलाव के साथ टीम उतरी थी खेलने के लिए। जहां पर हमें इसरू उड़ाना देखने को मिले थे तो वहीं एडम जाम्पा हमें देखने को मिले थे आज के मुकाबले में, तो वहीं हमें कुछ और बड़े बदलाव इनकी टीम से देखने को मिले थे। सभी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और सभी से इसी प्रदर्शन की उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरकीरत सिंह, इसरू उड़ाना और एडम जाम्पा तीन इनकी वापसी हुई टीम में, तो तीनों ने ही अपना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। मैच का अंत इस प्रकार से हुआ जहाँ पर विराट कोहली ने यह मुकाबला जीत लिया सुपर ओवर का। अगली वीडियो में बात करेंगे मुंबई इंडियंस की कुछ और बड़ी गलतियों के बारे में, विराट कोहली की कुछ और खासियत के बारे में कि टीम को कहां फ़ायदा मिला, क्या फ़ायदा इनको आगे और मिलता रहेगा इनकी टीम से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अब दिल्ली कैपिटल्स वर्सेज सनराइज हैदराबाद की हाईलाइट्स के साथ। अगले मैच की हाईलाइट्स आपको मैच खत्म होने के तुरंत बाद ही मिल जाएगी। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।